कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब सामयिन का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। और आज एक वो हसीन दिन है दोस्तों कि हम एक बहुत अपने जमाने की बड़ी गुलूकारा से आपको मिलवाने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। आज की जो गायिका हैं वो एक टॉप ग्रेड सिंगर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की रही हैं अपने जमाने की, और अपने फन में खासकर उनका लाइट वोकल में, सेमी क्लासिकल में, गजल में, सूफी में, सूफियाना अंदाज की चीज गाने में, फोक में, हर एक चीज में उनका बराबरी का कमांड रहा है। कमल हंसपाल जी से मेरी मुराद है कि आज उनको इस शो के अंदर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं बोलते आईने के इस अंक में। 29 दिसंबर 1939 में पंजाब में जन्मी कमल हंसपाल जी एक जानी मानी गायिका हैं। इन्हें सुगम संगीत में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से टॉप ग्रेड प्राप्त हुआ है और शब्द गायकी, फोक सिंगिंग, गजल गायकी और लाइट वोकल में एक बड़ा स्थान रखती हैं। पंजाब के फिरोजपुर व जालंधर में आपने शुरुआती दिन बिताए और स्थानीय संगीत के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगीत में आरंभिक शिक्षा कमल जी ने श्री देश बंधु सेठी और बलवंत राय जसवाल जी से प्राप्त की और बाद में गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से आपने विशारद किया। 60 के दशक में कमल जी पंजाब से दिल्ली आ गईं और लगातार कई वर्षों तक संगीत के क्षेत्र में काम करती रहीं। ऑल इंडिया रेडियो और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की मार्फत आपने अनेक म्यूजिकल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान आपकी मुलाकातें बड़े बड़े फनकारों और म्यूजिशियन से रही। इनमें शामिल हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मन्ना डे, अनिल विश्वास, मदन मोहन, शोभा गुट्टू, भूपेन हजारिका जी, पंडित बिरजू महाराज, उमा शर्मा जी, सतीश भाटिया, उस्ताद अमजद अली खां, जगजीत सिंह जी वगैरह वगैरह। कमल जी ने अनेकों कोरल ग्रुप्स और बैले ग्रुप्स में शामिल होकर कई प्रोग्राम दिए जिन्हें सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन की मार्फत मुनक्कित किया गया है और जिनमें शामिल हैं जग चरण होया, विद्यापति, आज़ादी द सपना, शाने अवध, इंद्र सभा, हीर रांझा। अनेकों पुरस्कारों से नवाजी गई कमल जी एक वर्सटाइल सिंगर हैं जिनमें गीत, गजल, भजन, पंजाबी और राजस्थान की फोक सॉन्ग्स शामिल हैं। देश विदेश में अपनी गायिका की प्रतिभा से सुशोभित कमल जी के नाम से कई सीडीज और ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज हो चुके हैं। मैडम कमल जी, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं आज के इस शो के अंदर। और सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत अद्भुत बात है ये के डायरेक्ट बी हाई ग्रेड और उन दिनों में मिलना, जबकि बहुत मुश्किल काम था कि कोई भी ग्रेड मिल जाए। लेजेंडरी जगजीत सिंह जी को जलंधर ऑल इंडिया रेडियो से उसी दिन उसी समय जब बी हाई ग्रेड मिला तो आपको भी बी हाई ग्रेड मिला। ये अपने में जी, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो मैं अपने नाजरीन को मैं इस वक्त बताने जा रहा हूं। और उसके बाद इनकी दास्तान चलती रही। शुरुआत में जिस तरीके से मुझे पता चला है, आपके ऊपर मैंने रिसर्च करी कि गुरदासपुर के धालीवाल में आपका जन्म हुआ, फिरोजपुर में शुरुआती इनके दिन बीते क्योंकि फादर इनके जो गवर्नमेंट सर्विस में थे,
और उसके बाद जलंधर मटियाना हुआ, वहां के तमाम गली मोहल्लों में इनका नाम था, क्योंकि ये गाती थी और इनको हर लोग अपने प्रोग्राम में पकड़ते। ये बात बड़ी पुरानी है और अब इनके प्रोग्रामों में इनको ले जाते थे, और बाद में इनका सफर हुआ दिल्ली और दिल्ली से लगातार ये बढ़ती चली गई। तो आइए आज की इस मुलाकात को मैं चाहूंगा कि उन्हीं की जबान से, कमल जी की जबान से हम सुने। कमल मैडम, ये बताइए कि आपका ये जो शुरुआती सफर जो मैंने बताया कि धालीवाल से लेके जलंधर और जलंधर से लेके दिल्ली, और उस वक्त आपको जो कि बी हाई ग्रेड डायरेक्ट मिल गया, ये अद्भुत बात के बारे में थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालिए। वो ऐसा है ना कि उस वक्त शंकरलाल मिशन जी थे प्रोड्यूसर और ऑल इंडिया रेडियो जलंधर के, तो उन्होंने मतलब मेरा गाना भी सुना हुआ था, फिर बीच को जानते थे हम वहीं से, हमारे कॉम्पिटिशन होता ऑल इंडिया रेडियो का, तो उसके लिए हम पंजाब से सिलेक्ट होकर गए थे जी। तो वापस आकर के फिर शंकरलाल मिश्र जी जो है ना, उन्होंने कहा कि हम अगर वहां से, तो हम आपको सारे से एक ही प्रोग्राम दे पाएंगे, उसका अब प्राइस भी बहुत था, तो हम आपको रेगुलर आते सुनाते हैं, तो आपकी और जगदीश की हम लोग ऑडिशन रखते हैं। तो हम लोगों की ऑडिशन उन्होंने स्पेशल रखी और हम दोनों को डायरेक्ट बी हाई में पास किया। जी 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 और उसके बाद जो है, आप जलंधर के बाद दिल्ली जब तशरीफ लाई हैं, और उस वक्त से लेकर करीबन 3 या 4 दशक तक का एक ऐसा गोल्डन पीरियड आपकी जिंदगी में रहा है जिसको हम रिकाउंट करना चाहेंगे, और ये सफर जो है ये बड़ा कीमती है। और दिल्ली में जब से शुरू में आई, तो उसके बाद गायकी में आपकी काफी महारत थी, लेकिन आपने जद्दोजहद की होगी, तो किस तरीके से आप ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के साथ मिली रहीं, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। वो ऐसा है ना कि अपना चंचल जी, जो आपके अंदर का भगवान ने कुछ दे रखा है, कोई कला दे रखी है, तो उस जमाने में कला को परखने वाले लोग भी थे। तो मैं तो कहूंगी कि मतलब मेरी कला ही मुझे आगे लेती रही, और मतलब हर उस वक्त उस जमाने में तो हर जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर था, म्यूजिक डायरेक्टर था, उसकी पहली चॉइस मैं ही रहा करती थी। तो मैंने बहुत से बैलेंस किए, मैंने विद्यु महाराज जी के साथ काम किया, मैंने कृष्ण कुमार जी के साथ किया, उनके डांस बैले करती थी। विद्यु महाराज जी का बहुत एक मशहूर था शान ए अवध, अच्छा, जिसको मैंने सेलेक्ट किया, और वो लाइव होता था, वो प्रोग्राम हमेशा लाइव होते थे, ये सब प्रोग्राम हम लोग स्टेज के साइड में बैठ के गाते थे और लोग आगे एक्ट करते थे। फिर हमने उसमें गाया साउंड एंड लाइट प्रोग्राम, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी एक शुरू करा था, सबसे पहले जलियांवाला बाग एक शुरू बनाया। अच्छा, मतलब जितने भी हुए जब तक मैं गाती रही, तो मैं उनमें भी मैं बहुत सॉन्ग एंड डांस के प्रोग्राम बहुत किए हैं, उसमें भी मैंने प्ले कर लिया। तो मतलब ऐसा ही है कि जो पसंद करते थे, प्रोड्यूसर पसंद करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर को अच्छा लगता था। जी जी नहीं नहीं मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि ये तो बात करीबन 40-45 साल पहले से भी पहले की शायद बात है, कि जब हम बहुत छोटे थे और हम आपको उस वक्त, जबकि दूरदर्शन वगैरह इतना नहीं था और बड़ी कीमती चीज लगती थी हमें, घर पर टीवी सेट्स नहीं मिलते थे देखने को, छुप छुप के हम टेलीविजन देखते थे। जी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आप लोगों के प्रोग्राम, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी, आपके संगी साथी जितने थे, आपका एक खासकर ग्रुप बना हुआ था जिसमें चतुर सेन जी थे, उषा सेठ जी थी, छोटे लाल जी थे, सतीश भाटिया जी थे, ये बहुत सारे नाम याद आते हैं मुझे, और आप उसमें
काफी फोक के गाने गाती थी, काफी सुगम संगीत में गाती थी, गजलें गाती थी। हम आपको देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट में उन दिनों, वो चमक प्रोग्राम की आज तक हमारे दिमाग में बड़ी नुमाया है, तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया जो आपने इतने 10 वर्षों से मुझे याद रखा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि टॉप ग्रेड का मिलना उन दिनों में एक अद्भुत बात है, और आपको वो टॉप ग्रेड मिला तो जाहिर है आपके अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट रहा है, और ये तो ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा ये बताइएगा मैडम कि मैं रिसर्च कर रहा था जब आपके प्रोग्राम के बारे में, तो ये बात है 60s और 70s और 80s की, कि आपने पूरे देश के अंदर और बल्कि विदेश में भी आपने कई बड़े बड़े शोज करे, और ऐसे ऐसा मुजाहरा आपके प्रोग्राम्स का रहा कि उस वक्त ऐसे जायंट्स आपको मिले, आइकन्स आपको मिले। मैंने जहां तक देखा और पढ़ा और सुना आपके बारे में, मोहम्मद रफी साहब, लता जी, मन्ना डे जी, अनिल विश्वास जी, ये बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत रही हैं जिनसे आपका डायरेक्ट संबंध रहा है, जिनके बारे में हमने तो केवल सुना ही है, लेकिन आप मिली। मुझे कुछ अपने नाजरीन को ये बताने का अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा सा अपने अनुभव और आपके कुछ जो बातचीत हुई हो, जैसे मोहम्मद रफी साहब से कभी बात हुई हो, लता जी से हुई हो, इनसे कैसे कैसे क्या क्या बातें, कुछ दिलचस्प बातें बताइएगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि लता जी के साथ तो मैंने गाना गाया 71 की वॉर में, जबकि हमारी वॉर चल रही थी 71 में, तो एक रामलीला प्लेग्राउंड में बहुत बड़ा प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने करना था, जहां उन्होंने भाषण दिया था, तो उसमें गाने के लिए लता जी को कांग्रेस से बुलवाया था। ओके, तो दिल्ली से मुझे सिलेक्ट किया था उनके पीछे गाने के लिए, तो मतलब उनके साथ मैंने स्टेज पे लता जी के साथ, कितनी बड़ी बात है। और मैंने 2 दिन हमने उनके साथ बिताए, और लता जी जितने सादी हैं, जितने प्यार से हमारे साथ रही, आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जैसे ही हम लोग उनके शीट में जाते थे रिहर्सल करते थे, तो जैसे वो आनी हमारे साथ कमरे में, तो हम सब उठते खड़े हो गए, तो जब बैठे जयदेव जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, ताना का सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ढोल कितना बाज में, क्या बात काटे में। तो ये गाना था जो लता जी ने गाना था, और हम मैं उनको फॉलो कर रही थी। अच्छा, तो अब वो लता जी आई तो हम सब खड़े हो गए। अच्छा, और वो हमारे साथ कार पर बैठी, और बिल्कुल मेरे बगल में बैठी। अरे वाह वाह वाह, एंड यू वोंट बिलीव, अमन ऐसा है टेंशन जी, आई कुड ओनली सी के हार्ड लिप्स आर मूविंग। अरे वाह, मतलब वो इतनी शेरवाज में बैठी था। अच्छा, मुझे ऐसा हिम्मत हमने सोचा बहुत ऐसी करके सुनना पड़ता था कि वो जस्ट समथिंग नॉट नेक्स्ट टू मी, मतलब मैं उनके साथ बैठी थी। तो फिर मतलब अच्छा, और उनकी एक बड़ी बात बताना, जी 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 जी, कि वो दादातर को कहते हैं उनकी, हाँ 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 हाँ, तो कहते हैं ना, तो वो कहने लगी कि कमल जी मैं तो आपको मालूम है, तो फेस पहनती हूँ। हाँ दीदी, मुझे पता आपको फेस पहनती है। तो कहने लगी कितना अच्छा होगा अगर 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 हम सब एक जैसा पहने तो। अच्छा, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत है, क्या बात है, क्या बात है, इसके बाद क्या वो तो किसी को ऑर्डर करते कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ऐसा मतलब अच्छा लगेगा ना हमारी एक जैसी शादी। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं भी व्हाइट पहन के आऊंगी, चिंता मत कीजिए। मगर इतनी मतलब वो जमीन के साथ जुड़ी हुई थी, इतने प्यार से हमारे साथ रही। अच्छा, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, हम लोग लंच खा रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा दीदी आप किसी चीज का परहेज करती हैं? ऐसा तो मैं कुछ खास कर करती नहीं, हमारे तो महाराष्ट्र में वैसे भी खाना तीखा होता है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल खाना खाते हैं, जैसे जो हम खाया वो उन्होंने खाया।
अच्छा, तो एक बार मैंने तो वो 2 दिन वो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते नहीं, हैं। खाने की जो बात कह रही हैं कमल जी आप, पता नहीं मैंने सही सुना था कि गलत सुना होगा, एक बार ही शायद बता रहे थे कि लता जी काफी तीखा खाना खाती हैं, आइसक्रीम भी खाती हैं, और बल्कि जबकि उल्टा होना चाहिए कि आशा जी को खाना चाहिए आइसक्रीम, और वो तो वो शायद थोड़ा परहेज रखती थी, और लता जी जो है एक्चुअल उसमें खूब आराम से हर चीज खाती थी, खाती हैं हनी पर। लता जी ने कहा हमारे साथ ही मतलब खाना लंच खाया, तो उन्होंने लंच में अचार भी होता है, सब कुछ होता है, सैलेड होता है, सब कुछ हाँ, खाया उन्होंने। कितनी नेचुरल, मतलब एक आपने कहा कि सफेद कपड़े पहनना, देखिए एक मेरे को हाँ ऐसे याद आ गया कमल जी के रफी साहब के बारे में, एक बार ही मैं स्टडी कर रहा था तो अक्सर वो सफेद रंग की बुशर्ट और पैंट पहनते थे, ये पाखंडी और खुलूस जो जिंदगी है उसको भी सिंबॉलिकली दर्शाता है ये भी। अच्छा कमल जी, देखिए आपका आज का जो प्रोग्राम है, अभी तो इब्तिदा है लेकिन बढ़ते 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 हम कुछ इस पे ऐसी बातें करेंगे कि बागी पिक्चर का एक गाना मैंने आपकी जबान में बहुत पहले सुना हुआ है कि बागी पिक्चर 1953 में जब आई थी शायद, हाँ 1953 की बात है, तो उसमें एक गाना बड़ा खूबसूरत लता जी ने गाया था कि बहारें हमको ढूंढेंगी और ना जाने हम कहाँ होंगे, और ये हॉन्टिंग देखिए गाना हम है, तो अब थोड़ा जिंदगी के रोमांटिक उस गाना, पड़ाव पे हैं अपना इसको प्लीज सुनिए, सैमसन गुनगुना जी। दीजिए प्लीज। वैसे तो मैंने पब्लिकली गाना छोड़ दिया है, जी जी मैं आकाशवाणी से भी नहीं गाती, आप तो जानते हैं कि मैं काफी नहीं, बिल्कुल उम्र बिल्कुल नहीं, की आपने हो बहुत गई गाया है, 4 दशक हमने खूब देखा है, लेकिन हूँ तो हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज सबके लिए, एक कोशिश करती हूँ। जी, बागी पिक्चर का एक बड़ा खूबसूरत 1953 का गाना आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बाहर कोशिश करती हूँ, अगर गाया जाए और ना तो जरूर जाने गा हम कहाँ, दूंगी। प्लीज प्लीज तो गुनगुना दीजिए। बहारे हमको हाय हाय हाय, ढूंढेंगे क्या बात है, अब महफिल में अफसाने बयां क्या बात है, होंगे, वाह 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 वाह, माशाल्लाह क्या खूबसूरत निभाया आपने। अच्छा ये कहाँ बताइएगा, निभाया नहीं, बहुत ही अच्छा कहाँ गाया, नहीं बहुत अच्छा गाया है, देखिए 1939 29 दिसंबर में आपकी पैदाइश हुई, और अब तो लोगों का थोड़ा सा भी होंठ तक नहीं हिलते, लेकिन आपने कितना बड़ा मुजाहरा कर दिया। और एक बात और मैं याद कर रहा हूं इसी वक्त के, अक्सर लोग कहते थे कि जब आपके प्रोग्राम होते थे स्टेज पे अशोका होटल में, जैसे एक बड़ा भारी प्रोग्राम हुआ था तो वहां पर एक एंकर थी, उन्होंने भी बोला, और ये जनरली लोग कहते थे कि आपकी आवाज में नूरजहां की सी खनक और लता मंगेशकर जैसी मेलोडी, ये मधुरिमापन, तो बहुत ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है, ये तो मतलब नहीं, मैं इसको मैं ये पचा नहीं सकती, ये खत्म नहीं अचरज कर कहा है, सकती। लेकिन लोग बोलते थे, और ये हम में पूरा यकीन है कि आपकी आवाज में वो मधुरता और खनकपन जो कि नूरजहां जी के बारे में, बल्कि एक उनका बड़ा ही पॉपुलर गाना रहा 1900, मैं समझता हूँ 46 की बात है, हाँ 1946 में नूरजहां ने गाना गाया था अनमोल घड़ी पिक्चर का, नौशाद जी की कंपोजिशन में, और वो शायद मैं जहां तक समझता हूँ आवाज दे कहाँ आवाज़ दे कहाँ जी 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 इतना याद है मुझे बहुत बस। ही अच्छा, देखिए सुरेंद्र जी ने साथ में गाया था, और ये गाना देखिए कब का, 1946 से गाया है, और आज तक इतना आबाद, एवरग्रीन एक सॉन्ग बिल्कुल है, एवरग्रीन और तो इन दोनों एवरग्रीन विभूतियों एवरग्रीन का जिनको मैंने नाम लिया, लता मंगेशकर जी और नूर जहां जी का, आपको खिताब इतना मिला के नूर जहां की खनकपन और लता जी का
जो मेलोडी या मधुरता या सुरीलापन आपके अंदर समाया हुआ है, ये लोगों की जबानी से हमने कई बार ही सुना, तो ये अद्भुत है और हमारे लिए एक हाईली कमेंडेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग। एक रात की बात बताऊं आपको श्याम सिंह जी, वो ऐसा है कि जब तक मैंने गाना क्लासिकल सीखना नहीं शुरू किया था ना, मैंने टेंथ के बाद जाते क्लासिकल सीखना शुरू किया, तो मैंने रेगुलर 11 साल सीखा क्लासिकल ऐसी बात में। लेकिन उससे पहले, मतलब ये जो पहले मेरे 7-8 साल जिंदगी के हुए, जब से मेरे को होश आई, मुझे गाने की समझ, गाना गाने का मन करता था, तो मैं लता जी के, तब तो रेडियो में गाने बजते थे प्रसाद उसमें विविध भारती में, या कभी कभी आकाशवाणी वालों का भी प्रोग्राम होता था, फिल्मी गानों का प्रोग्राम होता था, तो वो जरूर बैठ के सुनती थी मैं, और लता जी के गानों को उनके साथ साथ ही गाती थी, रेडियो में वो गाती थी मैं उनके साथ गाती थी। तो मेरी पहली गुरु तो लता जी, मतलब मैं सारा दिन रेडियो के पास बैठी रहती थी और गाती रहती थी उनके गाने। मेरे भाई बहन मेरा मुंह पकड़ते थे, अब बस कर हमको लता का भी सुनने दे कि तू गाती रही। वाह 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 वाह। तो फिर मैंने मतलब ये बात हो रही है, तो आपके जो गुरु और उस्ताद रहे हैं शुरू में जिनसे आपने सीखा, एक तो आपने 11 साल लगातार आपने बताया कि गांधर्व, हाँ जी लगातार मैंने कंटिन्यूस क्लासिकल सीखा। कौन से वो गुरु थे जिनसे आपने? हाँ, मेरे शुरुआत के गुरु थे श्री देशबंधु सेठी जी। अच्छा। फिरोजपुर में मैं तब लोग थी, तो उनके साथ 7-8 साल उनके साथ सीखा। फिर 3-4 साल मैंने उनके दामाद, जब जलंधर में मैं चली गई अपने मामा जी के पास, वहाँ जलंधर में थे वो, तो उन्होंने मतलब फिर मुझे बाद में श्री बलवंत राय जसवाल जी, उनके ही दामाद थे, उन्होंने मतलब एक ही घराने से सीखा ना, एक ही घर से सीखा, एक ही फैमिली से, तो इसीलिए मुझे मतलब ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं किसी और के घराने में तो सीखती और फिर चेंज करती, तो वो जो मेरी चीज चली आई थी वो चलती रही। तो ये घराना वैसे कौन सा, क्योंकि घरानों की बातचीत होती है तो कौन सी? वैसे तो हम लोग किराना घराना से गाते हैं ना गाना हमारा जो, हाँ किराना घराने से गा हम लोग। तो मैंने विशारद, असली का जो विशारद होता था वो पास किया ये आज के विशारद में असली वाला विशारद पास किया था। अच्छा, मगर मैं तो ये सोचती हूँ कि एग्जाम की कोई मतलब नहीं होता, गाना आना चाहिए। तो मतलब मैं तो हमेशा यही कहती थी कि गाना आना चाहिए, गाने तो आ ही जाएंगे। हाँ। तो ये बात मेरी हफीज अहमद खान साहब को बड़ी पसंद आई। एक बार मैंने कही, आप पहचानते होंगे ना हफीज, दिल्ली घराने के थे ना, शख्सियत, क्या बात है, अरे ऐसी शख्सियत, भगवान जन्नत नसीब करे उनको। आपकी तो मतलब बातें इतनी ज्यादा रही है कुछ लोगों से कि कुछ ही का मैं मेंशन कर पाऊंगा। एक मेरे को ये बताइएगा मैडम कि जलंधर में, क्योंकि जब ये वक्त था 60s का, आप शायद जब आपको डायरेक्ट बी हाई मिल गया उधर से ऑल इंडिया रेडियो से, तो वहाँ एस एल मिश्रा पंडित जी वो भी थे, तो उन्होंने आपको, हाँ, शंकरलाल मिश्र जी थे ना, शंकरलाल मिश्र जी ने हमें बहुत गवाया, वही तो लेके आए, काफी रही, ही इज द पर्सन जो मुझे रेडियो में लेके आए। ओ, उनके बेटे जो हैं अरुण मिश्रा जी हैं और उनकी पोती जो हैं वो आपने बताया सुगंधा मिश्रा, ये तमाम बड़ा एक गुणी फैमिली है जो कि, हाँ जी, और हरबल्लभ वगैरह में आपका काफी प्रोग्राम वगैरह जो हुआ। हाँ, मैं मतलब जूनियर्स में जब मैं थी तो मतलब मैं जूनियर आर्टिस्ट में, हरबल्लभ का जूनियर्स का भी होता था, तो उसमें मैंने मतलब पहली बार मैंने जिंदगी में जो ऑफिशियल प्रोग्राम दिया था वही था। अच्छा, इसके साथ मैं काफी सुन रहा था और रिसर्च कर रहा था कि आपकी जो लोगों से मुलाकातें रहीं, देखिए अनिल विश्वास जी हैं और भूपेन हजारिका जी हैं, और मैं समझता हूँ कि, अच्छा, जगजीत सिंह जी के साथ आपका कैसा ताल्लुकात और किस तरीके का रहा? देखिए जगजीत सिंह का तो मेरा मतलब काफी लंबा समय हम लोग साथ मतलब रहे जलंधर में, और हमारा मतलब दोनों गाने वाले थे, तो हम तो दोनों, वो अपना कॉलेज से सीधा हमारे घर आ जाता था, तो हम लोग दिन भर गाना गाते रहते थे, वो कभी कोई नई धुन बनाता था तो मुझे सुनाता था, तो मतलब मगर जगजीत को भी मैं कभी भूल नहीं सकती, वो उनके गुजरने से वो तो पूरे साल डेढ़ साल पहले, लेकिन पहले वो यहाँ पे आए थे जज बन के किसी प्रोग्राम में, उसमें अच्छा, मेरी एक शागिर्द गा रही थी। अच्छा, तो जब वो गा रही थी तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि
कि आप ऐसे ही हाउसवाइफ ही हैं, मतलब आप मतलब सीखा भी है कि आप ऐसे ही गाते हैं? कहती नहीं, मैं सीखती हूँ। कहती किन से? उसने मेरा नाम लिया तो कहता ओहो कमल हंसपाल से, वो तो हमारी सीनियर है भैया, उनको मेरी नमस्ते मेरी सत श्री अकाल बोली जाके। मैं वो कहने लगी कि मैं वो उससे आई हुई है अब पंजाबी की फोन है, कितने कमल तू कितने बैठी हुई मतलब उन्होंने देखो इतना बड़ा दिलजीत सिंह हो गया था। मैं तो वही की वही रह गई ना, वो तो बहुत बड़ा हो गया। हजारों लाखों लोग हैं उनको जो हाँ, लेकिन लेकिन उसकी देखो हाँ उसकी शख्सियत देखो कैसा है कि उसने बहना तो भूला और उसने मेरी 15 मिनट वो मेरे लिए बोलता रहा। 3,000-4,000 की ऑडियंस थी, ये आपके उसमें था एक बड़ा जो हॉल है आपका साउथ दिल्ली में। अच्छा तो मतलब उसमें उसने मेरे 10 मिनट बोला होगा मेरे लिए बड़ी। अच्छा ये बताइए मैडम के और कौन से ऐसी बड़ी बड़ी शख्स, रफी जी के बारे में कुछ बता दीजिए प्लीज। हाँ रफी जी के साथ तो मेरे मतलब ऐसा हुआ कि स्टेज जरूर शेयर करी हमने और बातें भी करी। एक मेरी मेरे को केदार शर्मा जी ने कैसा लगे? अरे वो तो आदमी है ही नहीं, वो तो देवता थे, वो इस जमाने के बंदा ही नहीं था वो। कितनी बड़ी बात, मतलब वो मौजा की बच्ची को जी करके बुला रहे हैं। अच्छा मतलब मैं तो मेरे को वो आपने सही कहा, वो देवता था क्योंकि उनके बारे में जो हमने करीबन 45-50 साल से मैंने भी उनके बारे में सुना देखा वो सही थे कि उन जब वो बात करते थे इतना आस्ते बोलते थे, सॉफ्ट बोलते थे। हाँ, बहुत सॉफ्ट बोलते थे। कोई इंटरव्यू अगर लेने वाला होता कि जी इंटरव्यू लेने, भाई मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा, मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन हाँ अगर एक शर्त है कि मैं गा गा के जवाब दूंगा ठीक है सच में बहुत मतलब बहुत ही जमीन से लड़े हुए एक स्माइल रहती थी चेहरे पे, एक बड़ा नूरानी खुशनुमा और शाइस्ता तबीयत के आदमी हमारे मोहम्मद रफी। आपको और भी सुन के खुशी होगी कि मैंने मन्ना डे जी के साथ भी डुएट गाया स्टेज पे। हाँ मन्ना डे जी के, हाँ क्योंकि वो ऐसा है कि जो उनके साथ ये आपका रामपुर ये स्टेज जो ऑर्गेनाइज कराती है ना, छोटे मेले कराती है, जैसे ये नौचंदी का मेला होता है मेरठ में, ऐसे स्टेज मेले होते हैं सब जगह। अच्छा। तो रामपुर में भी ऐसा एक स्टेज मेला था, नुमाइश बहुत मशहूर है, बहुत बड़ी नुमाइश होती है साहब वहाँ। मैं 2 बार गई हूँ गाने। अच्छा। और वहाँ के लोगों ने मेरे जो सिग्नेचर लिए थे वो नेक्स्ट टाइम वही रिकॉर्ड उन्होंने मुझे दिखाया कि मैम आपके अभी तक हमने संभाले हुए हैं, इसी पे आपसे दूसरी बार ऑटोग्राफ कराएंगे। मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया, मैं सच कहती हूँ कि मैं उतार ही नहीं सकती लोगों का प्यार, जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया। मेरे गाने लोगों को याद हैं, मेरे रेडियो के ट्रांसमिशन के गाने लोगों ने मुझे सुना है। तो मतलब ऐसा आपके तो दिल तो भर जाता ना। अच्छा आप तो गजल भी काफी पॉपुलर रही है आपकी गजल। तो मैंने मन्ना डे जी के साथ ना उनकी गाने वाली नहीं आई थी जी, तो उन्होंने सुना तो होगा कि हम एक ही गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने सुना होगा कि भी गाती हैं ये, अच्छा गाती हैं। तो कहने लगे मेरी डुएट सिंगर नहीं आई तो आप गाना गा देंगे मेरे साथ? मैंने कहा दादा आप कहाँ और मैं कहाँ दादा, मगर कोशिश करूंगी अगर गाया गया तो जरूर गा दूंगी बस फिर उनके साथ मैंने वो डुएट गाया, तुम गगन के चंद्रमा मैं धरा की धूप। वंडरफुल, सच अ मेलोडियस, वंडरफुल मैडम, क्या बात है, कितना खूबसूरत आपने, क्या बात है नगमा आपने बता दिया कि ये डुएट लता मंगेशकर जी और मन्ना डे का रहा आपने, कितना कितना खूबसूरत गाना। नहीं मतलब मुझे बहुत बहुत जो लोगों का आशीर्वाद मिला ना, मुझे खान साहब अल्लाह रखा जी का भी बहुत मेरे सर पे आशीर्वाद है। अच्छा। वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह समझते थे। और शोभा गुटू जी, अच्छा, शोभा गुटू जी तो गुटु एक हाँ प्रोग्राम में हम लोग साथ थे, वो तो मेरे पिताजी को कहती थी कि लड़की मुझे गोद दे दो अरे वाह तो अब पिताजी हंसने लग गए, कहते हैं अब हमारे पास ही गाने वाली बेटी
बहुत बहुत प्यार करती थी मुझसे। जी जी जी। कोई ऐसे स्टेज शोज जो आपने करे मैडम, आपने ये गुर्तु, ये शोभा गुर्तु जी की भी फोटो है, देखिए देखिए मेरे साथ इंदौर प्रोग्राम में, हम रेडियो में प्रोग्राम था। दिखाइएगा मैडम सामने की तरफ। हाँ, और पास ले आइएगा। और ये बहुत खूबसूरत। और ये मेरे जलंधर के स्टूडियो की है। अच्छा, ये ऑल इंडिया रेडियो के तानपुरा पे। हाँ जी हाँ जी। कितनी बेमिसाल तस्वीर आप दिखा रही हैं। जैसे ये तो हेरिटेज है ना, हमारी संपदा है। हाँ, ये हेरिटेज है, ये तो सच में है। इतना लंबा सफर करा, बल्कि लंबा सफर ये मैं ये कहूंगा कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। क्योंकि पांव में छाले पड़े और होठों पे हंसी रही, मुशक्कत करती रही आप, और कितनी एक अजीम जगह पहुंच गई जहां पर मोहम्मद रफी साहब, मन्ना डे जी, लता मंगेशकर जी, भूपेन हजारिका जी, शोभा गुप्ता जी, भूपेन हजारिका जी भी बहुत पसंद करते थे मेरा गाना, दिलजीत सिंह जी, सभी के साथ आप रहे। ये तो बड़े मेमोरेबल और प्रेशियस आपके पल रहे हैं मैडम। मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी यादगार एक हिस्ट्री रही है, और करीबन पूरी हिस्ट्री में करीबन 55-60 साल रहे। हाँ जी। अब ये बताइए, ये कब बीते पता भी ना चला। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि हर शख्स की जिंदगी में खुशी के साथ कुछ गमगीन पहलू भी आते हैं, पल आते हैं, और ये हर एक के साथ है, चाहे वो रफी साहब के साथ हुआ हो, चाहे वो दिलीप कुमार साहब के साथ हुआ हो, और चाहे वो अमित साहब के साथ हुआ हो, सभी की जिंदगी में कुछ सैड मोमेंट्स आते हैं। आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे लम्हात आए जिसकी वजह से आपको दुश्वारी या मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, कुछ वो भी आज खोल दीजिए। हाँ, मुझे ऐसा है कि प्रभु ने मुझे बहुत मेरे पे बड़ी मेहर करी कि मेरे पे ऐसा वक्त बहुत कम आया, क्योंकि मेरे को एक तो मैंने अपनी ख्वाहिशें बहुत लिमिटेड रखी, क्योंकि अगर आप जितनी ख्वाहिशें बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी तकलीफ होगी, ये तो पक्की बात है। तो कोशिश हमने ये करी कि जहाँ भगवान जहाँ जिस हाल में रखे उसी में खुश रहो। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मतलब सैड मोमेंट्स आपके आए लेकिन खुशियां ज्यादा आई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। अच्छा, ये जो पुराने जितने भी आपके लोग साथ में रहे, खासकर दूरदर्शन पे और ऑल इंडिया रेडियो पे हम अक्सर आपके बारे में सुनते थे कि आपका ग्रुप था, और वो एक ऐसा ग्रुप था जो कि करीबन 30-40 साल तक लगातार आप मिलते जुलते रहे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए। हाँ जी हाँ जी, जैसे अब सरला कपूर जी से मेरी अक्सर बातचीत होती है, महेंद्र पाल जी हैं, छोटे लाल जी, ये तमाम बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो आज भी आपके साथ शामिल हैं। मैंने छोटे लाल जी के साथ भी बहुत काम किया, छोटे लाल जी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, सतीश भाटिया जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। भाटिया कितनी बड़ी अजीम शख्सियत रही हैं, क्वायर के डायरेक्टर, जिनके दूरदर्शन पे अक्सर प्रोग्राम जो आते थे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में, तो क्वायर उन्हीं की होती थी, ग्रुप सॉन्ग उन्हीं का होता था, उसमें आप भी खड़ी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे जो कि और लोग अभी तक आपके साथ बातचीत में शामिल रहते हैं या पूरा। हाँ जी, अभी तक देखिए सरला कपूर जी मेरे साथ हैं, सरला कपूर के साथ मैं बात करती रहती हूँ, महेंद्र पाल के साथ बात करती हूँ, पूर्णिमा दास हैं, काजल बैनर्जी हैं, हम लोग फोन पे एक दूसरे को मिलते रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंसेस तो बहुत दूर दूर के, और फिर ये एक साल तो हो गया कोविड की वजह से ना मिले, नहीं तो हम अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेते। हम लोगों में कभी ऐसा रहा नहीं कि एक दूसरे से जेलस फील करें, हम लोगों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि इसका प्रोग्राम ना अच्छा हो मेरा अच्छा हो, हमारी यही कोशिश होती थी कि नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन हमारे ग्रुप में कभी ऐसा कुछ नहीं था, हम यही चाहते थे कि पुष्पा हंसी भी हमारे ग्रुप में थी, अग्निहोत्री भी थे, तो मतलब ये ऐसा हर एक पन्ना लाल कथक जी थे, वो तो हमें गंवाते थे, ऑफ कोर्स वो हमारे ग्रुप में थे थोड़ी, वो तो बहुत सीनियर बंदे थे, तो मगर किसी के दिल में ये नहीं, ईर्ष्या नहीं होती थी कि हाँ इसका प्रोग्राम अच्छा हो मेरा, ऐसा कभी नहीं, वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर। वेरी नाइस। जिस तरीके से अभी आपने बताया, और हर इंटरव्यू में आजकल पूरी दुनिया में एक प्रश्न उभर कर आता है कोरोना या कोविड-19 के वजह से,
तो ये तो मान लीजिए कि इस तरीके से एक शेर में आपको सारे नाजरीन को ही बताना चाहूंगा कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा ना था, और लोगों ने मास्क पहन रखे हैं डिस्टेंस पे। तो मास्क पे भी ये बात को ये है कि खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबियत के गिलाफ, वरना दूसरे को हमने पहचाना ना था। आए, आए, एक बार फिर देखिए, हाँ, खुद चढ़ा रखे अजनबियत के खिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना ना था, और फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था, और सामने बैठा मेरा ना था। मैडम ये बताइए कि ये जो शेर है और ये तमाम जो माहौल पिछला पूरा साल चला 2020 और 21 में भी इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसी दुश्वारी, ऐसा बुरा टाइम, हम कभी जितने भी ये हमने, मैंने भी अपनी इतनी बरस की उम्र में मैंने ऐसा मुश्किल, ये मुश्किल अगर आप कहेंगे तो इसी दौर में देखी कि आप अपनों से दूर हो गए, आप अपनों के गले नहीं लग सकते, आप अपनों से हाथ नहीं मिला सकते हैं, इससे दुश्वारी और क्या हो सकती है कि आप अपनों से भी दूर हो गए, दूसरों से तो दूर होना ही था, अपनों से भी दूर हो गए, अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकते। जी 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 जी, देखिए जो हमारी आर्ट कल्चर म्यूजिक की बातें जो चल रही हैं इस इंटरव्यू में, मैं आपसे ऑन बिहाफ ऑफ आवर जितने भी नाजरीन या दर्शक हैं, मैं आपकी फीलिंग्स जानना चाहूंगा, खासकर एक आर्ट और म्यूजिक की तरफ या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो मुतासिर हुई है इस बुरे इम्पैक्ट के COVID-19 या कोरोना से, कि तहस नहस कर दिया है, आर्टिस्ट टूट गया है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, ढोलक बजाने वाले, बिल्कुल आर्टिस्ट, लहरा देने वाले, सारंगी वाले, अरे सभी बारा ढोलक बजाने वाला, संगत करने वाला, के ऊपर तो बहुत बुरा हुआ, छोटे से छोटा क्या मजीरा बजाने वाला भी बेचारा नहीं कुछ कर पा रहा, और उनकी तकलीफात इतनी बढ़ चुकी हैं कि मगर कोई ध्यान भी तो नहीं दे रहा, पैसे नहीं है, इस पे कुछ बताइए प्लीज। देखिए मुझे तो ये लगता है कि मतलब हमें या तो हम मिलजुल के, मगर हम किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेकर के कि कुछ भी नहीं। मेरा भी, मैं स्कूल चलाती थी छोटा सा, मतलब डांस और गाने का, अच्छा। बंद करना पड़ा, चलिए हाँ, फिर मैंने रुक के आकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी कि क्या करूं, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ इतने बरसों से जुड़े हुए हैं। वो तो बात नहीं आती है, ये तो लड्डू अगर कह रहे हैं कि आप लैपटॉप में गए दिखा के भैया खाओ, लड्डू का मजा तो आएगा नहीं, या आइसक्रीम दिखा रहे हो भैया खा के देखो, तो वो तो फायदा नहीं होगा, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल ही अच्छा है गालिब, अच्छा है गालिब, दिल बहलाने को ये ख्याल जी 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 जी, तो ये तो वाकई में एक बहुत बुरा। अच्छा ये बताइएगा कि अब हमारे इंटरव्यू का टाइम तो काफी होता जा रहा है, मुझे क्योंकि आपकी फोक सिंगिंग के दर, खासकर पंजाबी और राजस्थानी, इसमें बड़ी महारत रही, एक आध लाइन या तो राजस्थानी या ऐसा है ना कि पंजाबी में तो टप्पे होते थे, टप्पे देखे आपने शायद सुने होंगे, अरे खो कि कोठे का बोले चिट्ठी आई माई दी, बिच मेरा भी ना बोले, ऐसे पंजाबी के टप्पे होते है। टप्पे में तो बल्कि मैं, आपने शायद सुना ही होगा, उस्ताद अब्दुल रहमान खान जो हैं वो पटियाला घराने के टप्पे के बादशाह भी कहलाते थे, बॉम्बे में बहुत ज्यादा रहे, और उनके शिष्य जो हैं वो लक्ष्मी शंकर जी रहीं, सरला कपूर रहीं, महेंद्र कपूर जी रहे, ये तमाम लोग, तो उनको भी शायद आपने कभी देखा हो, जाना होगा, क्योंकि वो बड़ी अजीम शख्सियत रही है पंजाबी फोक में भी। और नहीं नहीं, ये देखिए इस मामले में तो ये सब लोग बहुत बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं भाई, ये सब सब चीज गा लेते हैं, ये क्लासिकल के भी उतने माहिर हैं और फोक के भी उतने माहिर हैं। जी 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 जी। और पंजाब का तो देखिए ना, फोक मिर्जा तो इन्हीं लोगों की आवाजों में गाया जाता था, मिर्जा गाते ही आदमी लोग थे। जी 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 जी। तो अच्छा जो ये बताइएगा, आप
कोई एक आध गजल भी गुनगुना देंगे, क्योंकि गजल में आपके कई सीडीज भी निकले हैं, एल्बम भी निकले हैं। ऐसा है, मैं ये कहती हूँ कि मेरे मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ना, आप बजाइए, लोगों को ये भी तो सुना दीजिए कि क्या गाती थी। अभी आपके तो बहुत सारा बाकी मांड का, राजस्थानी का बताती हूँ मैं आपको कि मांड में मेरा एक भजन, मांड उनका मांड ही सब कुछ है जी जी जी, राजस्थान का। तो मांड में मैंने एक मेरा खुद का कंपोज किया हुआ भजन है कि मीरा तेरो क्या लागे नंदलाल, मीरा तेरो क्या लागे नंदलाल। ये मेरा भजन बहुत पॉपुलर हो गया था, ये मैंने अपने शागिर्दों को भी इस भजन की एक मैं आपको बात सुनाती हूँ कि मेरा राजकोट में हमारा रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम था जी। राजकोट गुजरात में जी। हाँ जी, तो उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो वालों ने रेडियो प्रेमिसेस में ना करके ना एक मंदिर में प्रोग्राम किया। हाँ, एक मंदिर में करा जिसमें भजनों का हमारा प्रोग्राम था। तो उसमें मैंने ये देखिए आम जनता आई हुई थी, क्योंकि वैसे तो ऑल इंडिया रेडियो में आम जनता आती नहीं है जी, जी। मतलब स्पेशल इन्विटेशन से आती है, आपको मालूम ही है, लेकिन ये खुले प्रांगण में था मंदिर के, तो बहुत सब दुनिया आई हुई थी। और वहां पे ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव था कि पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई कि बहुत अच्छा गाया गया। बहुत, बहुत। और बहुत लोगों को मतलब इट वॉज अ मेमोरेबल प्रोग्राम जी 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 जी, कि इतने मतलब मेरे लोगों पे, मैंने बाद में कीर्तन करती थी ना कि बोलो कृष्णा 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 राधे राधे बोलो कृष्णा, और सारी जनता मेरे साथ गाती। आज तो बहुत ही सुखद हमने टाइम बिताया मैडम, आपने इतना अपना वक्त दिया बोलते आईने के हमारे सब दर्शकों के सामने। आप मैडम कमल हंसपाल जी ने आज कई बातें बताई अपनी पूरी जीवन यात्रा को, और हम सब बोलते आईने के श्रोताओं की तरफ से आपको मैडम कमल हंसपाल जी बहुत बहुत हम नमस्कार धन्यवाद। मगर मैं मेरी बात एक याद रखिएगा, मेरा थोड़े थोड़े भजन जो मेरी रिकॉर्डेड आपको भेजूंगी, कुछ गजल कुछ भजन, एक दो दो लाइन सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और एक बारी फिर से हम सारे नाजरीन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और इसी तरीके वो तो से मैं आपका शुक्रिया। अगली कड़ी में आप सबसे मुलाकात होगी एक नए आर्टिस्ट के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओके, बोलते आईने, बोलते आईने।